नमस्कार दोस्तों, GIC एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुदल और आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक्स के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक मोबाइल ऐप को समझने वाले हैं जिसको गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये बहुत ही काफ़ी मज़ेदार ऐप है और इस ऐप को यूज़ करने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई बहुत ही अच्छा ऐप है, अब तक हम इस चीज़ को यूज़ क्यों नहीं कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी आप हिट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद जिस ऐप के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस ऐप का नाम है गूगल लेंस। जी हाँ, गूगल लेंस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। गूगल लेंस को थोड़ा सा विस्तार से आज हम लोग समझेंगे और क्या फीचर्स है, क्या इसकी खासियत है गूगल लेंस की, और क्यों हम समझाना चाहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। गूगल लेंस जैसे ही टाइप करेंगे, गूगल लेंस ओपन हो गया। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। 18 MB की ये एप्लीकेशन है, इसको आप ओपन कर लीजिए। डाउनलोड करके फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते ही देखिए ये ऐसा मैसेज देगा, वेलकम टू गूगल लेंस का। यहाँ गो इट पे क्लिक करेंगे। आगे देखिए क्या ऑप्शन दे रहा है। आप कोई भी एक ईमेल आईडी चूज़ कर लेंगे जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन हैं। हम यहाँ पर जिस ईमेल आईडी से लॉगिन है उसको चूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस ऐप को ओपन कर चुके हैं और आज हम शुरू से समझते हैं। ध्यान से देखिए, नीचे 4-5 फीचर्स शो हो रहे हैं। उसको हम पहले ट्रांसलेट वाला जो ऑप्शन दे रहा है, ट्रांसलेट वाला हम समझेंगे। चलिए मान लीजिए हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर पायल जो करके डिटर्जेंट पाउडर लिखा हुआ है, उस चीज़ को ये समझ रहा है। ऑटोमेटिक ही ये इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करेगा, हिंदी से इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है तो इंग्लिश को ये ट्रांसलेट कर ले रहा है। बहुत ही मज़ेदार ऐप है दोस्त, इसलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहता था। देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे ही आप इस चीज़ को ले जाएंगे ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। देखिए अब यहाँ से हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी है और इंग्लिश से अब हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो है ना कितनी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ देखिए जैसे न्यू पैक को हमने सेलेक्ट किया तो ये देखिए क्या बोल रहा है। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, ये वाला, ये देखिए, देखिए चीज़ें तुरंत जो है ये देख करके ऑटोमेटिक ये वो कर लेता है। चलिए हम इसमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना सीखते हैं, तो कॉपी वाला ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लिया हमने। मान लीजिए ये पायल डिटर्जेंट पाउडर को जो हम कॉपी करना चाहते हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कॉपी वाले पर। ये देखिए ये वाला ऑप्शन कॉपी होगा, हम जैसे क्लिक करेंगे तुरंत जो है नीचे देगा। देखिए सॉरी, समझ में नहीं पा रहा है ये, थोड़ा सा हम डिटर्जेंट वाले को देखते हैं। देखिए डिटर्जेंट समझ लिया है, पाउडर को समझ लिया। इस चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके, दोनों कॉपी करके भी हम कहीं इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला एड्रेस हमको नोट करना है, नीचे एड्रेस हम देख लेते हैं एक बार फिर से। इसको हम शुरू कर, यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम इस जो एड्रेस है इसको हम सेव करना चाहते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर सभी एड्रेस जो है आ गए हैं। अब इस पर क्लिक करके हम इसको खींच लेंगे, जैसे टेक्स्ट जो है पूरा कॉपी हो जाएगा। तो कितनी मज़ेदार ऑप्शन है फ्रेंड्स। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, किसी वस्तु, किसी फ़ोटो को आप देख करके जो है दिखा करके इससे पूछ सकते हैं कि क्या ये फ़ोटो किस चीज़ की है, कैसी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं, हम इसको भी दिखा करके पूछना चाहते हैं इससे। देखिए क्या बताता है, देखिए ये कुछ रिज़ल्ट देगा इमेजेस में कि ये इस यहाँ के इमेजेस हैं। और इसी तरीके से हम कुछ आपको फलों का जो है या फिर पौधों का आपको दिखाना चाहते हैं कि पौधे को ये समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। तो ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा एक पौधे को शो कराते हैं। यहाँ पर एक आम का पौधा मेरे पास है, मैं इसको शो कराऊँगा, शो करा करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आम के पौधे को हम इसको टाइप कर रहे हैं, देखिए ये पकड़ पाता है कि नहीं। देखिए इससे मिलता जुलता जो है कुछ जो है इमेजेस ला कर दे दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, यही नहीं आप जो है शॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं
और वो सामान आपको उसका नाम नहीं पता है तो आप कैसे उसको करेंगे, ये भी यहाँ पे आप बगल में सर्च कर सकते हैं। तमाम तरह की फीचर्स दी हुई हैं, बहुत ही अच्छा ऐप है और इसका प्रयोग कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करता है। काफ़ी दिनों से मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ किसी तरीके से, पढ़ाई के लिए तो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए बहुत काफ़ी काम आता है ये ऐप। तो आप सभी ने देखा फ्रेंड्स कितनी ही लाजवाब फीचर्स हैं इसके अंदर, क्या बनाया है गूगल ने, ये बहुत ही अच्छी ऐप है और उम्मीद करता हूँ आप इस ऐप को ज़रूर प्रयोग करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सतर्क रहें और आप सभी अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें फ्रेंड्स, बहुत ही ख़तरनाक ये वायरस है और इसका आप विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा किसी से ना मिलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।